दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय ट्रागो। ट्रागो एक ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसपे आप सिंपल यस और नो में जवाब देकर पैसे कमाने का मौका पा सकते हैं। और एक और अभी कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें आप जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन। और लास्ट कॉन्टेस्ट के विनर थे मिस्टर रवि कुमार, जिन्होंने ट्रागो पर ट्रेड करके एक जीता है इस ब्रांड न्यू स्मार्टफोन। और अगर हम बात करें तो दो नए ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ ट्रागो वापस आ चुका है। आज जैसा आप जानते हैं दो बड़े क्वार्टर फाइनल्स हैं, पोर्चुगल वर्सेस मोरक्को और फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड। तो एक इवेंट है कि क्या फ्रांस इंग्लैंड को हरा सकता है, और दूसरा यह है कि क्या पोर्चुगल मोरक्को को हरा सकता है। तो इसमें फॉर एग्जांपल आप 1000 रुपीज इन्वेस्ट करके येस का ओपिनियन आप दे सकते हैं, और जो भी आपकी विनिंग्स होंगी आप उसको इंस्टेंटली UPI पे विड्रॉ कर सकते हैं। तो लिंक जो है ट्रागो का आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज हेड डाउन टू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड डाउनलोड द ट्रागो ऐप नाउ। तो बात करते हैं आज जो दो क्वार्टर फाइनल्स हैं और बहुत ही ज़्यादा बड़े मैचेस हैं। जैसे हमको कल बहुत ही ड्रामेटिक फैशन में जो हमारे दो मैचेस हुए, और हमको हमारे दो सेमीफाइनलिस्ट ऑलरेडी मिल चुके हैं। अर्जेंटीना और क्रोएशिया का एक सेमीफाइनल हमारा सेटअप हो गया है, तो बाकी के जो दो सेमीफाइनलिस्ट आज हमको पता चलेंगे। तो पहले बात करते हैं फ्रांस वर्सेज इंग्लैंड। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल गेम है टू कॉल और एकदम 50-50 गेम है। अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो इंग्लैंड का पल्ला भारी रहा है। अगर हम फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड के स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इंग्लैंड का रिकॉर्ड फ्रांस के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा रहा है। तो दोनों टीमों ने 31 मैचेस खेले हैं यहाँ पर, जिसमें 17 मैचेस इंग्लैंड ने जीते हैं, 9 मैचेस फ्रांस ने जीते हैं और 5 मैचेस ड्रॉ हुए हैं। अगर हम फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री की बात करें तो दोनों टीमों का सामना सिर्फ दो बार हुआ है आपस में, एक बार 1966 वर्ल्ड कप में और एक बार 1982 वर्ल्ड कप में, और दोनों समय ही इंग्लैंड को जीत मिली थी फ्रांस के अगेंस्ट। और अब उनका तीसरा मैच फीफा वर्ल्ड कप में इस बार होने वाला है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में। तो मैं कहूँगा एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल्स का मैच है। जैसे आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड एक डिफेंसिव टीम है, ऑल दो उनकी काफ़ी फ्री फ्लोइंग फुटबॉल रही है पिछले कुछ मैचेस में। जैसे आप देख सकते हैं ईरान के अगेंस्ट उन्होंने 6 गोल मारे थे, फिर उन्होंने वेल्स को 3 गोल मारे थे, फिर अगेन सेनेगल को बहुत ईजिली डिस्पैच किया था उन्होंने 3 गोल मार के। तो इंग्लैंड का गोल स्कोरिंग फॉर्म अच्छा रहा है इस वर्ल्ड कप में, लेकिन स्टिल आप जब सेटअप देखते हैं टीम का और गैरेथ साउथगेट की जब आप अप्रोच देखते हैं तो आपको थोड़ा सा वो डिफेंसिव लगता है जो सेटअप है पूरा। ऑन द अदर एंड फ्रांस काफ़ी डायरेक्ट फुटबॉल खेलती है, जैसे हमने देखा है एम्बापे बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, ग्रीज़मैन, डेम्बेले, जिरू ने रिकॉर्ड बना दिया है इस वर्ल्ड कप में और फ्रांस के ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर बन गए। उसके बाद हम मिडफील्ड की बात करें तो रैबी और चुआमेनी का बहुत अच्छा जा रहा है टूर्नामेंट। बैकलाइन थोड़ी सी शेकी ज़रूर है फ्रांस की, थोड़ा सा एक आप देख सकते हैं कि आपको कन्विक्शन नहीं आएगा फ्रांस की बैकलाइन देख के, वहाँ पर आपको लगता है कुछ वीकनेसेस है, लेकिन थियो हर्नांडिस बहुत अच्छे रहे हैं उनके लिए, तो एक अच्छा सेटअप है। ऑन दी अदर एंड जैसे मैंने इंग्लैंड की बात करी, इंग्लैंड भी काफ़ी एक अच्छी तरीके से अपना ग्रुप स्टेज पार करके राउंड ऑफ 16 में सेनेगल को हरा के इस क्वार्टर फाइनल में आई है। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इस मैच में कि अगर हम राइट साइड पर देखें, मतलब इंग्लैंड की डिफेंसिव राइट साइड पर देखें, तो वहाँ पे एम्बापे से सामना करना पड़ेगा जो भी वहाँ पे फुलबैक खेलते हैं, चाहे वो वॉकर खेलते हैं चाहे ट्रिपियर खेलते हैं। और यहीं हम लेफ्ट साइड पे हैं तो उस्मान डेम्बेले वर्सेस लुक शॉ एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है। तो इंग्लैंड किस तरीके की फॉर्मेशन के साथ उतरे, यूजुअली हमने देखा साउथगेट 3 at the back के साथ जाना पसंद करते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में वो 4 at the back के साथ गए, जिसमें उन्होंने 3-man मिडफील्ड खिलाया है, हेंडरसन, डेक्लिन राइस और जूड बेलिंगम का, कभी कभी मेसन माउंट भी खेले हैं। तो इस मैच में क्या अप्रोच रहेगी, क्योंकि राइट पे जैसा मैंने कहा आपको डेम्बेले से मुकाबला करना होगा और लेफ्ट में ऑब्वियसली एम्बापे जो कि इस समय रेड हॉट फॉर्म में, तो क्या आप डबल अप करेंगे दोनों तरफ, एक विंग बैक और एक सेंटर बैक खिलाएंगे, स्पेशली राइट में आप ट्रिपियर और वॉकर दोनों को खिलाएंगे, फिर आप एक डबल पिवट खिलाएंगे, या फिर आप अपनी जो अभी तक अप्रोच रही है उसको बैक करेंगे, एक 4 at the back के साथ जाएंगे, फुट रेस में आप बैक करेंगे काइल वॉकर को कि वो एम्बापे को एक कड़ा मुकाबला देंगे, क्योंकि अगर कोई फुल बैक है जो एम्बापे के साथ टो टू टो जा सकता है वो काइल वॉकर ही है अगर हम स्पीड की बात करें। तो मुझे लगता है यहाँ पर इंग्लैंड ज़्यादा चेंज नहीं करेगी, मेरे हिसाब से वो 4 at the back के साथ ही जाएंगे। आप देखेंगे जो गोल में होंगे जॉर्डन पिकफर्ड, एक सेंटर बैक पेयरिंग होगी जॉन स्टोन्स और हैरी मैग्वायर की, राइट बैक होंगे काइल वॉकर, लेफ्ट बैक होंगे लुक शॉ, मिडफील्ड 3 होगी हेंडरसन, बेलिंगम और डेक्लिन राइस की, और आगे आपका फ्रंट 3 होगा फिल फोर्डन, हैरी केन और बुकायो साका। बुकायो साका के पास काफ़ी एक डिफेंसिव ड्यूटी वाला काम रहेगा, उनको ट्रैक बैक करना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा, मदद करनी पड़ेगी काइल वॉकर की और सेम फिल फोर्डन की, वो उनको भी थोड़ा सा जो है डीप ड्रॉप करके लुक शॉ की मदद करनी पड़ेगी अगर डेम्बेले का थ्रेट है उससे थोड़ा सा निपटना है तो। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर हम एक अटैक वर्सेस डिफेंस थोड़ा सा मैच देख सकते हैं, और फ्रांस की जैसे हमको पता है कि अटैकिंग लाइन जो है स्पेशली विद ग्रीज़मैन इन्वॉल्व्ड काफ़ी ज़्यादा
एक फ्लुएंट फुटबॉल खेल रही है। 26 क्रॉसेज हैं ग्रीजमैन के समय, मोस्ट चांसेस क्रिएटेड फॉर फ्रांस और सेकंड मोस्ट चांस क्रिएटेड डेम्बेले के। तो क्रॉसिंग पे काफ़ी जो है यहाँ पर रिलाय करती है फ्रांस। और एक जो चीज़ और फ्रांस एक्सप्लोइट करती है वो ये है कि प्रेस को वो बायपास करने की कोशिश करते हैं अपोजिशन को, और एम्बापे को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। चुआमैनी, रैबियो या जूल्स कुंडे, रफेल वरान, बहुत अच्छे बॉल प्लेयर्स हैं। और फिर हमको पता है कि जो रॉ पेस है एम्बापे का और जो पावर है वो कितना डेविस्टेटिंग हो सकता है। तो काफ़ी मुश्किल है ये मैच कॉल करना, समझ नहीं आ रहा मुझे किस तरफ जा सकता है। कोई भी टीम जीत सकती है, बहुत ही 50-50 गेम है। जैसा मैंने कहा था नेदरलैंड्स अर्जेंटीना का गेम एकदम 50-50 है, कुछ उसी तरीके का ये गेम है। और आप कोई भी टीम जीतते तो आप उसको अपसेट नहीं कहेंगे। अब जैसे देखिए प्रिडिक्शन के बारे में मैंने बोला, प्रिडिक्शन इस टूर्नामेंट में बहुत ही ज़्यादा हेवायर जा रहे हैं तो कोई सेंस बनता नहीं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ द प्रीव्यू मुझे लगता है कि फ्रांस में बहुत ज़्यादा क्वालिटी है और एक बराज ऑफ अटैक्स जो होगा मुझे लगता है वो इंग्लैंड शायद सक्षम ना हो उनको हैंडल करने में। और फिर जिस तरीके का फॉर्म एम्बापे का है, जिरू भी फॉर्म में है, ग्रीज़मैन, डेम्बेले, आई थिंक ये इंग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा हैंडल करने को। तो इवेंचुअली मुझे लगता है कि एक 2-1 विक्ट्री फ्रांस की हो सकती है इस गेम में। बाकी इंग्लैंड भी जीत सकती है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि इंग्लैंड का भी बहुत अच्छा जा रहा है टूर्नामेंट। और मे भी हो सकता है फ्रांस का अगर डे ऑफ हो जाए इन फ्रंट ऑफ गोल, और फिर हमको पता है कि इंग्लैंड के पास कितने ज़्यादा डेविस्टेटिंग प्लेयर्स हैं, स्पेशली काउंटर अटैक पे साका, फोर्डन, हैरी केन बहुत अच्छे फिनिशर्स हैं, क्लिनिकल प्लेयर्स हैं ये सारे, और चांसेस अपने ले लेते हैं। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग मुकाबला हो सकता है। तो ये है मेरा एक छोटा सा मैं कहूँगा प्री मैच थॉट बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड। और हम बात करें मोरक्को और पोर्चुगल की। अब देखिए मोरक्को ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड किया है, वो क्वार्टर फाइनल्स तक आए हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब उनका मुकाबला एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस पोर्चुगल साइड से होगा, जिनको अपनी फिगर आउट कर ली है, जिन्होंने मुझे लगता है उनको समझ आ गया है कि क्या कॉम्बिनेशन है, क्या बैलेंस है, किस तरीके के उनको प्लेयर स्टार्ट कराने हैं। फर्नांडो सैंटोस को, गोंसालो रामोस डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे, जो उन्होंने हैट्रिक स्कोर करी थी स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट, और स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा उमदा गेम खेला था पोर्चुगल ने। और मुझे लगता है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक फिर से हाई स्कोरिंग परफॉर्मेंस हो सकती है पोर्चुगल की। लेकिन अगेन जैसा हमने स्पेन के अगेंस्ट देखा था, डिफेंस काफ़ी टाइट था और एक बहुत हार्ड वर्किंग परफॉर्मेंस थी मोरक्को की। लेकिन मोरक्को जितना अच्छा उनका टूर्नामेंट अभी तक रहा, उन्होंने ज़्यादा गोल स्कोर नहीं किया अभी तक। उन्होंने 4 मैचेस में 4 गोल्स ही स्कोर करें, लेकिन उन्होंने 4 मैचेस में 1 गोल कंसीड किया। तो इससे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा एंटरप्राइजिंग नहीं है गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन उनका डिफेंस तोड़ना भी उतना आसान नहीं होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, जो एक लिंकअप प्ले और जो क्विक मूवमेंट है बॉल का, जो हम फ्रंट लाइन में देखते हैं पुर्तगाल के, जैसे जाओ फिलिक्स हैं, गोंसालो रामोस होंगे, ब्रूनो फर्नांडिस होंगे, इस तरीके का जो एक सेटअप है पोर्चुगल का, उससे टैकल करने में मुझे लगता है मोरक्को को प्रॉब्लम होगी। तो मैं यहाँ पर प्रिडिक्ट करूँगा एक 2-0 विन फॉर पोर्चुगल, और मुझे लगता है कि फ्रांस और पोर्चुगल का एक सेमीफाइनल हो सकता है। तो आई थिंक वी आर वेरी क्लोज टू अर्जेंटीना वर्सेस पोर्चुगल वर्ल्ड कप फाइनल। बाकी आपकी क्या राय है दोनों मैचेस के बारे में, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और शाम को मिलते हैं फिर इन मैचेस के डिस्कशन के साथ। चलिए गाइस, जब तक ध्यान रखें अपना, टेक केयर एंड पीस।